तुम किसके पास आए हो? मुस्तफा हमें यहाँ तक लेकर आया है, वो आपका एक पुराना किसान है। तो फिर आपका स्वागत है। अंदर आ जाओ। वाले मेरी मदद कर, ऊपर वाले मेहरबानी कर, हे ऊपर वाले मेरी मदद कर। बोलो, मैं सुन रहा हूं। मेरी बेटी, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत बेटा। वो तुम्हें दरवाजे से ताबीज हटाने के लिए कह रहे हैं। उन्हें तुमसे क्या चाहिए बताओ। वो मुझे बाहर आने के लिए कह रहे हैं। कितने महीनों से? ये सब 3 महीने पहले ही शुरू हुआ। तुम्हारे आसपास कोई है? तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है या फिर तुम्हारा कोई दुश्मन? नहीं होता। कुछ तो बात जरूर होगी। ये एक बहुत ही बड़ा मामला है, समझो बात को। जरा अच्छे से सोचो। पहले हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। 3 महीने पहले मेरे पापा का बिजनेस कुछ ठीक हुआ। क्या उस बात का इससे कोई ताल्लुक है? तुम्हारा नाम क्या है? अलेसिया। अलेसिया, डरो मत, मैं तुम्हें इसमें से बचा लूंगा। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत है उससे बचा लूंगा मैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक से करो, समझी ना एलेसिया, सब ठीक से करो। इस बच्चे की रक्षा करना। तुम्हारा सर यहां पर लाओ। इसे अपनी गर्दन से कभी मत उतारो अलेसिया, कभी भी नहीं। मैं जो कहता हूं वो करो, ठीक है ना अलेसिया? इसे अपने गले से कभी मत उतारना, समझी ना? Thank you.
शुक्रिया होचा। कोई बात नहीं। बेल बज रही है। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। हाँ सुनो, बज रही है। म्यूजिक बंद करो एनएस। रुको रुको, कोई पड़ोसी होगा, मैं उसके साथ बात करता हूँ। क्या है हनी? ये तुम्हारे लिए है। प्रोसेस्टिना अलेसिया। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये अलेसिया के लिए है। कौन लाया इसे? मुझे नहीं पता, ये मुझे बाहर मिला। क्या तुम इसे खोलना नहीं चाहती? मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा होगा मैं इसे अपने कमरे में खोलूं। एलेसिया, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ ग्रीक। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लेटर को ध्यान से पढ़ो। मुझे कुछ समय से कैंसर है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगी तब तक मैं मर चुका होगा। जब तुम छोटी बच्ची थी तब मैंने तुम्हें देखा था। मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो। तुम्हारे माता पिता की मौत के बाद मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। मुझ पर यकीन रखो, हर चीज के पीछे एक वजह थी। अब तुम 14 साल की हो और अभी ये खूबसूरत उम्र में हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक कीमती चीज छोड़ना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों की मातृभूमि योरकास में है। मेरे पिता का घर अभी भी वहीं पर है। उस घर के बेडरूम में एक संदूक है, उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। उस संदूक को उन लोगों के साथ मत खोलना जिन पर तुम भरोसा नहीं कर सकती। जब तुम वहां जाओगी तो वहां कोस्टास को ढूंढना। वो मेरा एक पुराना दोस्त है, वो तुम्हें चाबी देगा। मुझे उम्मीद है तुम मुझे माफ करोगी। गुड बाय, तुम्हारा दादा ग्रीक।
जब तुम गांव में जाओगी तो वहां पर जाकर कोस्टा को ढूंढना। वो मेरा पुराना दोस्त है, वो तुम्हें वहां चाबी देगा। मुझे आशा है कि तुम मुझे माफ करोगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुड बाय। क्या तुम्हें ये सच लगता है? तुम सब लोग सीरियस हो जाओ, क्या तुम लोग उसे देख नहीं रहे हो? तो फिर तुम क्या सोचते हो अलेसिया? मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं। क्या? अरे इसकी चिंता मत करो, मुझे वैसे भी भरोसा नहीं है। पागल मत बनो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि वो मरने पर तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं? बताओ। ओहो, इसमें रोने की क्या बात है, शांत हो जाओ। चलो हम सब लोग साथ में चलते हैं ना। पागल हो क्या? क्या तुम लोग साथ में नहीं आओगी जैरन? एनएस? जरूर, ये मेरे लिए ठीक है। अगर जैरन ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, तुम वहाँ जाके थक जाओगे। पागल जैसी बातें मत करो। हम सब लोग वहाँ साथ में जाएंगे, तुम रोना तो बंद करो। मैंने सुना है वो बहुत अच्छी जगह है, बड़ा मजा आएगा वहाँ। हम पियेंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। देखो हैकन, तुम अभी मजाक कर रहे हो और मुझे फिर से गलत समझना बंद करो। तुमने मुझे फिर से गलत समझ लिया यार। ठीक है कोई बात नहीं। बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उन्हें भी साथ में आने दो, सब चलेंगे तो मजा आएगा। ठीक है। तो हम सब कब जाने वाले हैं? क्या हम कल सुबह चले? कुछ प्रॉब्लम? एनएस, जल्दी करो, मुझे अपना सामान पैक करना है। बेबी रुको जरा, हम अलानिया रिजॉर्ट घूमने नहीं जा रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब, तुम इसे नहीं समझोगे? हैकन, चलो चलते हैं, हम कल मिलेंगे, ठीक है? और हाँ, हमें थोड़ी और तैयारी करनी होगी। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अगर हमारे पास कुछ खरीदने के लिए नहीं हो तो हम स्टेशन से ले सकते हैं। मैंने लोकेशन के बारे में चेक किया, ये एक बोरिंग जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। हमें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जो कुछ लेना यहीं से ले लेते हैं। हम वो जगह कैसे ढूंढेंगे? रुको, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, तुम लोग जाके खरीदारी कर लो। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे लिए सिगरेट लेते आना खत्म हो गई है। ठीक है। लड़कियों, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? हमारे लिए सिगरेट ले आओ। हाँ, सिगरेट। मुझे लगता है कि मुझे एक बड़ा सा बॉक्स लेना ही पड़ेगा। एलेसिया, वहाँ देखो एक सुंदर लाइट हाउस है, चलो वहाँ चलते हैं। ओके, चलते हैं। देखो ना, ये कितनी सुंदर जगह है। मैं तुरंत एक फोटो शेयर करूंगी, जल्दी करो। एलेसिया, हम पहले इतनी खूबसूरत जगह पे क्यों नहीं आए? ये कितनी अच्छी जगह है ना? शायद मैं भी पहली बार यहाँ आई हूँ। पहली बार? पर कैसे? मेरे मॉम डैड ने मुझसे बताया कि मेरे दादाजी एथेंस में रहते थे। तुमने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? 12 साल पहले, फिर उन्हें कभी नहीं देखा। समझती हूँ, जब मेरे मॉम डैड की मौत हो गई तो उन्होंने मुझे एक बेबी सिटिंग में डाल दिया। मुझे अपने दादा दादी की बहुत याद आती थी, पर वो मेरे पास नहीं थे, क्या कहूँ मैं। और तुम कह भी क्या सकती हो, तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ में कितना मुश्किल समय बिताया है, मेरी परेशानी खत्म ही नहीं होती। ऐसा मत कहो एलेसिया, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो चलते हैं, हमारा इंतजार कर रहे होंगे वो। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें कोस्टास से मिलना है, वो यहीं पर रहता है। क्या कहा कोस्टास? लेकिन उस पागल का आप क्या करोगे? पागल आदमी क्या मतलब? क्योंकि वो कभी बोलता ही नहीं। क्या तुम हमें कुछ और जानकारी दे सकते हो? बताइए मैं और क्या कहूं। ये गांव एक पुराना ग्रीक गांव है। यहां जैसे मकान तुम्हें और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। दरअसल हमें ये किसी ग्रीक गांव जैसा लगता तो नहीं है। देखिए वास्तव में असली ग्रीक गांव थोड़ा सा आगे है, लेकिन वहां 7 या 8 लोग रहते हैं। वो गांव कहां पर है? और कोस्टास भी, वो हमें कहां मिलेगा? यहां से सीधे जाने पर तुम्हें तो पेड़ों के बीच एक झील दिखाई देगी। कोस्टास भी वही है। वो बस झील को देखता है और किसी से बात नहीं करता। गांव के बारे में क्या? झील की तरफ जाते ही आप लोग बाई तरफ मुड़ जाइए, वहीं पर आपको असली योर्गोस गांव मिलेगा। शुक्रिया सर, अब हमें चलना चाहिए। सुनो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। मुझे नहीं पता कि तुम उस पागल से क्या बातें करना चाहते हो। बेहतर होगा कि तुम वहां ना जाओ। लेकिन ऐसा क्यों? वो गांव बहुत खतरनाक है। 12 साल पहले वो गांव एक छोटा टुकड़ा था। उसी साल वहां बहुत बड़ा तूफान आया था। गांव 2 भागों में बट गया और एक धारा बन गया। अच्छा, कैसे? तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देख सकते हो। सब कहते हैं कि वो गांव एक शापित गांव है, कोई भी वहां नहीं रहता। वहां पर आए तूफान की वजह से। वो तूफान बहुत ही बड़ा और खतरनाक था, बहुत ही अलग सा। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसे ये बात समझ में भी आएगी? चुप बैठो। सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कोस्टास, मेरे दादाजी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं अलेसिया। क्या उसने खुद को ही मार डाला? दोस्तों देखो,
हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ तो अजीब है। पागल मत बनो, हम उसे बचा सकते हैं। बेबी पागलपना मत करो, वो पागल है, हमें जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। पैरन बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी कार में गांजा है, अगर हम पकड़े गए तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। चलो चलते हैं। चलो चलो जल्दी करो। भाई उसने सही कहा था कि वहां मत जाओ, उसने खुद को मार लिया, अब मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा। क्या कार यहां से जा सकती है? हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। जरा सुनो, हम बहुत आगे निकल गए हैं, हम संदूक लेंगे और यहां से निकल जाएंगे। ठीक है तुम जैसा कहो। गया तुम्हें? उन्हें अभी तक घर भी नहीं मिला है, क्या करेंगे हम? प्लीज एनएस, तुम हमारी पूरी ट्रिप खराब करने की कोशिश मत करो, समझे ना? पागलपन मत करो, कौन सी ट्रिप? तुमने देखा है ना कि उसने हम लोगों के सामने खुद को मार डाला है। कोई बात नहीं, हमने तो नहीं मारा। बेबी क्या बोल रही हो, मुझे हैकन पर भरोसा नहीं है, वो काफी गांजा लेकर आया था, अगर पुलिस हमें पकड़ती हमें डर लग रहा है। नहीं वो होशियार होते हैं। क्या हुआ जेरन, क्या तुम मेरे खिलाफ जाकर उसका बचाव कर रही हो? मैं देखता हूँ कि तुम एक दूसरे को कैसे देखते हो, मुझे सब पता है। अब तुम्हें क्या हो गया एनिस, तुम पागलों जैसे बिहेव करना बंद करो। तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस्तांबुल पहुंचकर हम बहुत खुश रहेंगे। हे, तुम क्या कर रहे हो? हम एक गाँव में है। तुम्हें कुछ मिला क्या, जल्दी बताओ। हाँ हमें मिला, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, चलो यहाँ से। यही घर है। क्या तुम सच में यहाँ पर कभी नहीं आई? नहीं मुझे याद नहीं है। क्या हम अंदर चले? चलते हैं। जगह बेकार है। तुमने क्या उम्मीद की थी, सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, जरा देखो। यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं। चलो ये संदूक हम यहाँ से ले आते हैं, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे।
एनएस सही बोल रहा है, चलो हम सब कमरे में संदूक ढूंढते हैं। ओह कितनी खूबसूरत दुनिया है, चलो कपल्स को अपने अपने कमरे में जाने दो, मैं अकेला ही अपने आप में मस्त हूँ, यहाँ का नजारा देखता हूँ। सुनो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई क्रेट है। हे ये सब जाने दो, हम दोनों अब अकेले हैं, चलो अब हम थोड़ी मस्ती करते हैं। अभी मेरा मन नहीं है, क्या हम रात तक रुक सकते हैं प्लीज? इसका मतलब क्या? आखिर वो चीज थी क्या? दोस्तों क्या वो तुम लोगों को मिल गया? नहीं अभी तक नहीं। तो फिर तुम लोग इतनी देर से कमरे में कर क्या रहे थे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, अगर यहाँ कोई संदूक नहीं है तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। कोई संदूक नहीं है। मुझे मिल गया। कहाँ पे? वहाँ नीचे, इसे ले लेते हैं। चलो फिर दोस्तों इसे लेकर आते हैं। मुझे अभी सिगरेट पीनी है, मैंने बहुत समय से सिगरेट नहीं पी है, मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम अपना घर भूल गई हो क्या? तुम इस अंधेरे में उस बच्चे को देखना चाहते हो? वो संदूक बहुत पुरानी है, इस पे लिखे नंबर देखो। हाँ सही कहा। मैंने सारी जगह चेक कर लिया है पर हैकर मुझे नहीं मिला। पता नहीं वो इस समय कहाँ चला गया होगा। वो फिर से कोई मुसीबत में है, अंधेरा बहुत है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, गांव में लाइट्स भी नहीं है। क्या यहाँ कोई नहीं है जो हमें पता बता सके? बिल्कुल नहीं, वैसे भी गांव में कोई नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा रुकते हैं वो आ जाएगा। हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा।
ओ नहीं यार, क्या तुम वो संदूक खोलना नहीं चाहती? मैं अभी ये संदूक खोलना नहीं चाहती, मुझे नहीं पता है कि इसमें है क्या। हकान की राह देखते हैं, हम इस्तांबुल जाएंगे तो इसे खोल लेंगे। लेकिन अभी हैकन है कहाँ? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या हुआ है? अंदर चलो, मैं सब बताता हूं। चलो। हकान, तुम ठीक हो ना? मेरे पास एक बुरी खबर है। क्या तुम्हें वो खाड़ी याद है? वहां पानी अब बढ़ गया है, अब हम वापस उसी रास्ते से नहीं जा सकते हैं। झूठ मत बोलो। झूठ? बारिश तो नहीं हुई, ऐसे कैसे नाला बंद किया जा सकता है? यहाँ बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? हम लोग जब से इस जगह पर आए हैं, कुछ न कुछ अजीब ही हो रहा है। ये जगह शापित है, हमारे यहाँ पहुँचते ही कुछ न कुछ गलत होने लगा है। मैंने ऐसा ही महसूस किया है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई सांस ले रहा है। मैंने उस कमरे में एक क्रीचर को देखा था। अब चुप बैठो, बाकी सबको मत डराओ तुम। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने अभी एक लड़की को देखा, वो मुझे देखकर हंस रही थी, मैं उसके पीछे पीछे भी गया। अब बस करो। और चलते चलते मैं एक अजीबोगरीब जगह पर पहुंच गया, वहां बहुत अंधेरा था, मैंने कुछ देखा था। हैकन, चुप रहो। चुप रहूं? उस आदमी ने कहा था ना कि वो जगह ठीक नहीं है, वहां पर मत जाना, फिर भी हम यहां आ गए। और क्या कहा? हैकन, देखो उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधविश्वास है। अपनी बकवास बंद करो, बेकार की बातें मत करो, उसने क्या कहा है हम सबको बताओ। ठीक है, ठीक है। हमने उसे पूछा, 12 साल पहले ये एक ही गांव था जहां पर तूफान आया था। तूफान की वजह से गांव के बीच में एक नाला बन गया, उसे शापित कहते हैं। मैंने उन पे भरोसा नहीं किया, ये बकवास है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज होगी। ये सब बातें पुरानी हो गई है, चिंता की कोई बात नहीं है, छोड़ो ये सब। तुमने 12 साल पहले कहा था? क्या कहा? दादाजी वो भी मुझे 12 साल पहले छोड़कर गए थे, ये बहुत अजीब है। ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चलो जितनी जल्दी हो सकता हम यहाँ से निकल जाते हैं। हम उस रोड को क्रॉस नहीं कर सकते, जल्दी ही उस तरफ से तूफान आएगा, क्या तुम नहीं सुन रहे हो? तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, आज यही रहना पड़ेगा। पर मैं यहाँ नहीं सोने वाली। हम भी यही चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आज हमें यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। बरान सही कह रहा है, आज की रात हम यही रुकते हैं और कल सुबह होते ही जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग उस कमरे में सोएंगे, हकान अकेले रहेगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो भी नहीं सो सकता, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एज यू विश। मैं उस कमरे में नहीं जा रहा हूं, और अगर मैं उस कमरे में चला भी गया ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, सोना पड़ेगा। मुझे अब बहुत भूख लग रही है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम सुबह तक ठीक हो जाएंगे, तब तक खाने के लिए कुछ मिल ही जाएगा। कौन हो सकता है? अब कौन है? मैं देखता हूं। प्लीज अकेले मत जाओ, मेरे साथ आओ। अच्छा आप हो, स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम गांव से वापस नहीं आए हैं, मुझे चिंता हो रही थी।
वहाँ तूफान शुरू हो गया है तो मुझे लगा कि तुम वहाँ फंस गए होंगे। क्या कहा तूफान? कोई तूफान नहीं है। आया था, बहुत बड़ा तूफान आया था। तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये आपने अच्छा किया, सब लोग भूखे थे। खाने की खुशबू अच्छी है, शुक्रिया। ठीक है, खाना खा लेना याद से। आपका शुक्रिया। गुड नाइट, जल्दी मिलेंगे। तुमने इतनी जल्दी दरवाजा किस लिए बंद कर दिया? उन्होंने तो हम सबके लिए खाना लाया था। मुझे वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं लगे। धत तेरी। हमारे पड़ोसी ने खाना दिया है। ओह वाओ। खाना शुरू करो, हम बस अभी आए। हैकन मेरे साथ चलो। चलो। आखिर बात क्या है? जो खाना आया है वो हम खा क्यों नहीं रहे? खाने के बारे में भूल जाओ तुम, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ओह, तुमने तो मेरी बात का यकीन ही नहीं किया था। वो इंसान यहाँ आया और उसने मुझे खाना दिया। ताज्जुब की बात यह है, उसने मेरा नाम लिया। क्या तुमने हम सबका नाम बताया था? बताओ। नहीं, हमने नहीं बताया। इस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है, सच में। क्या हुआ? देखो इसमें क्या है। सब क्या है? हाकन, तुम जल्दी जाकर दरवाजा बंद करो। और दरवाजा बंद है या नहीं अच्छे से चेक करना, समझे ना तुम? एनएस, सब खिड़कियां चेक करो। लड़कियों, तुम कमरे में चेक करना। संदूक को कमरे में क्यों लाए? मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कुछ ना कुछ कीमती सामान जरूर होगा। मुझे उन पे भरोसा नहीं है। तुमने ये संदूक क्यों नहीं खोला? मैंने नहीं खोला, मैं इसे अकेले में खोलना चाहती हूँ। लाइफ कितनी अजीब है ना, कहाँ से कहाँ ले आई। बिल्कुल सही, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। सुबह यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। हाँ, हम निकल जाएंगे। डरो मत, तुम साथ होते हो तो डर नहीं लगता है। गुड नाइट। गुड नाइट। एनएस, जैरन, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्यों, तुम महीनों से मेरे साथ रहना चाहते थे ना? हाँ, मैं चाहता तो था, लेकिन अभी कोई देखेगा तो अच्छा नहीं है। हमें कोई नहीं देखेगा,
क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, नो प्रॉब्लम, सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या बेवकूफ, हम एक बेड पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कल रात में तुम यही तो चाहती थी ना। तुम पागल हो क्या? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? तुमने कल रात में यही कहा था। अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो? मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है वो किसी को पता ना चले। ठीक है बेवकूफ। बेबी तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें देखने ही आ रहा था। मुझे मेडिकल स्टोर जाना है, कुछ दवाइयाँ लेनी है। क्यों, क्या हुआ? बस थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, मैं उन सबको बता के आता हूँ, फिर हम साथ चलेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, उन्हें बता दो फिर हम चलते हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बस मुझे थोड़ी भूख लगी है। ओके। लग रहा है इसमें कोई मरा हुआ इंसान है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जरा इसे देखो तो ये कितना डरावना लग रहा है। इस गांव में कोई नहीं है। चलो जल्दी से हम इस जगह से निकल चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एनिस। गुड मॉर्निंग। हकान तुम पीछे जाओ, मैं आगे बैठूंगी। गाड़ी क्यों रोकी? तुम इसे इस्तांबुल में खोलना चाहती हो लेकिन यह संदूक बहुत भारी है, कार में भी जगह नहीं है। अब क्या करें? इस संदूक को इस्तांबुल तक नहीं ले जा सकते। हम क्या कर सकते हैं अगर किसी ने देख लिया तो? चलो झील के किनारे चलते हैं, वहाँ शांति है, वो जगह ठीक होगी। तुम वहाँ संदूक खोलो, हम तुम्हारा वेट करेंगे, क्या लगता है? ठीक है। हम वैसे भी इसे इस्तांबुल नहीं ले जा सकते।
जो मुझे दिख रहा वो तुम्हें भी दिख रहा है क्या? अलेसिया, 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 एनिस, एनिस रुक जाओ, अलेसिया, अलेसिया, बरान जल्दी करो, अलेसिया, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, मेरी बातों पर तुमने यकीन ही नहीं किया, और तुमने भी एनएस मेरी बातों का खूब मजाक बनाया, किसी ने मेरी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं, है ना? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? अब झगड़ा करना बंद करो, हम बच गए इतना काफी है, शांत बैठो अब। हमें वापस लौटना होगा। क्या? मैंने कहा हमें वापस लौटना होगा। ये क्या है देखो? क्या है? खजाने का नक्शा। दादाजी मेरे लिए खजाने का नक्शा छोड़ गए हैं। क्या ये सब मजाक है? मैं उस गांव में कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, हमें यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है बरान? ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पागलपना बंद करो, और वैसे भी आधा नक्शा गायब है, हम कल बहुत कुछ कर चुके हैं। ये अमीर बनने का एक मौका है, क्या हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर ऐसा है ना तो फिर मैं जाती हूँ, जो शुरू किया है उसे पूरा करूंगी। रुको, ठीक है, आधे नक्शे के बिना हमें खजाना कैसे मिलेगा? मुझे पता है इसका आधा हिस्सा कहाँ है। इसे देखो, ये कब्रिस्तान के प्रवेश द्वार पर है, वहां से ज्यादा दूर नहीं, मैंने कल देखा। हम अभी वहां से अंदर और बाहर जा सकते हैं, हमें वहां रहने की जरूरत नहीं है। हम वापस नहीं जाएंगे। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, ये बात मान लो। तुम क्या बात कर रही हो? जो नहीं आना चाहता वो घर जा सकता है। ये मेरे दादाजी का लेटर है, उस लेटर में उन्होंने सोने के बारे में कुछ बताया था, क्या इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो? अंधेरा हो रहा है, चलो चलते हैं। चलो जल्दी। अरे यार, देखो और एक मुसीबत आ गई, अगर यहाँ से गए भी तो वापस नहीं आ सकते। अब चलो ब्रिज से चलते हैं। क्या हमें वहां तक चल के जाना होगा?
हाँ लेकिन तुम दोनों नहीं आ रहे हो, तुम कार में हमारा इंतजार करोगे, आने में देर हुई तो पुलिस को कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। मुझे उम्मीद है वो वापस आ जाएगा। बेवकूफ है किन, मुझे नहीं लगता वो वापस आएंगे। मुझे भी। ये जगह उस नक्शे से काफी बड़ी है। नक्शे पर इस सड़क के नीचे ऐसा दिख रहा है। उस केबिन में कुछ हथियार है। चलो चलो जल्दी करो। जरा वो नक्शा देना। करीब है, कब्र के अंत तक जा रहे हैं। असल में और आगे जाना है, कब्र के ठीक सामने। हम जहाँ से आए हैं वो कब्र का अंत है, हम एक कब्र खोज रहे हैं, एक पुरानी कब्र जिसको बहुत टाइम हुआ हो। चलो चलते हैं, आराम से। क्या तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, कोई आवाज नहीं है। हमने ढूंढ लिया। मैं ये खोद कर देखता हूं। रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हें खोदने की जरूरत नहीं। पर क्यों? क्योंकि कब्र खोदना हमारे लिए अच्छा नहीं है। दादाजी ने इसे कब्र में दफन नहीं किया होगा। तुम पागल हो गई हो। देखो, मुझ पर यकीन करो। हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानती। तुम नहीं जानती? क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पर लेकर आई हो? अच्छा, सोच लो फिर से। यहाँ कुछ नहीं है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम रुको, जरा उसे सोचने दो। और जरा तुम भी सोचो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं कुछ पैसों के लिए अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। मेरे लिए बस यही काफी है। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, वो कार में जा रहा होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसे भूल जाओ तुम। हम कब तक वापस जाएंगे अलेसिया, बताओ, देर हो गई है। बारान, वो देखो, इस कब्र पर तलवार है, हमें जाना चाहिए। तुम क्या कर रही हो? खजाने का नक्शा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनी। हर कोई अपना रास्ता चुनता है।
अलेसिया, ये सब क्या है? ये कब्र नहीं है। कैसे? यहाँ पर देखो। यहाँ जो लिखा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भागो, भागो, जल्दी। वो लोग अभी तक नहीं आए एनिस। उन्हें गए 2 घंटे हो गए। एनिस, क्या हम वही करेंगे जो बैरन ने कहा? सुनो बैरन, समझ नहीं आता इतनी दूर इस्तांबुल से हम यहाँ क्यों आए हैं। मुझे लगता है यहाँ से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। पागलपंती मत करो एनिस, मैं एलिसिया को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मैं वही करूँगा जो बैरन ने कहा है। क्या सच में? हाँ सच में। बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? वो लोग कहाँ हैं? हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। क्या हुआ एनिस, डर गए क्या? ज़ेरिन, सब नरक में जाएंगे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई नहीं बचेगा, सब नरक में जाएंगे। वरान, हकान, हकान, बारान मेरी मदद करो। बारान, बारान, हकान नहीं है। मेरी वो मदद करो, वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। हकान, चलो यहाँ से, वो हकान नहीं है। चलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये हकान है। हकान, बारान, ये हकान नहीं है, चलो यहाँ से। चलो जल्दी। जेरेन, 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 क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं पता। एनिस कहाँ है जेरेन? मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम क्या कर रहे हो? बैरन, वो झील की बाई ओर इशारा कर रहा है। बैरन रुको, बैरन रुको। एनिस उसी लड़के के पीछे गया था। हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। हम क्या करेंगे? चलते हैं यहां से। चालू हो जा। चलो यहाँ से, चलो। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम मेरा यहीं इंतजार करना। आ, 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 आ,
तुम यहाँ पर रुको, मैं जरा जाकर आता हूँ, ठीक है ना? यही रुकना। हमें एनएस को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर तुम एनएस से इतना प्यार करती हो, अकान के साथ क्यों सोई थी? तुम क्या बात कर रही हो अलेसिया? मुझसे पूछ रहे हो क्या बात कर रही हूँ? मैंने सब देखा था, तुम उस घर में हकान के साथ सोई थी। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक गलती थी। गलती? मुझे तुम पर यकीन नहीं। मैं अब इस्तांबुल में तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहती। तुम क्या बोल रही हो अलेसिया? हम पुराने दोस्त हैं, तुम ये जानती हो ना? एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं करता। तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थी, तुम जानती हो ना? ठीक है अलेसिया, पर प्लीज ये बात बैरन को मत बताना। उसे पता चले या ना चले, उससे क्या मतलब है? अलेसिया मेरी बात समझो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। कोई खाली कमरा नहीं है, उसने मुझे एक कार्ड दिया। चलो चलते हैं। सुनो, मैं इसे आज की रात के लिए ही किराए पर दे रहा हूँ। लड़कियों को रात में बाहर मत जाने देना, ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर। ठंड की वजह से अंदर चूल्हा जलाया है, तुम्हारे काम आएगा। आपका शुक्रिया। सुनो, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं इतना जानता हूँ कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बरान, कल हम पुलिस के पास जाते हैं, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं। कोई हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा, वो हमें गिरफ्तार कर लेंगे। हैकन का क्या हुआ? वो हमें छोड़कर भाग गया, हमने उसका चेहरा देखा, वो इंसान की तरह नहीं दिख रहा था। वैसे वहां तुम्हें कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हमें मिला। देखो, उस कब्र पर जो कुछ भी लिखा था वो मैंने अपने एक दोस्त को भेजा। उसने मुझसे ये कहा कि तलवार मुझे रास्ता दिखाएगी। दूसरी कब्र तलवार थी। हाँ, तो तलवार हमें रास्ता दिखाएगी? पता नहीं, हमें तलवार ढूंढनी है। ये एक मुश्किल काम है। चलो अभी आराम करते हैं और सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हाँ शायद, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन बरान। लेकिन वगैरह कुछ नहीं, हम हकान और एनएस को खो चुके हैं, समझे ना? मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, हमें जल्दी उठना है।
एलिसिया, ठीक हो ना? क्या हुआ? मैंने एक भयानक सपना देखा। यहाँ आओ, सो जाओ तुम। हम कल यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? अब सो जाओ। जेरेन, क्या हुआ? जेरेन, मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? वो यहाँ है एलिसिया, वो लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं। अरे वाह दोस्तों, अच्छा वाह, तुम्हें जल्दी समझ में आ गया। हाँ सब समझ गया, ये लो। यहाँ पर तलवार का कोई मतलब है क्या? तलवार? हाँ, यहाँ हर कोई इसे जानता है। तुम इसे किलीमिली गांव में देख सकते हो। किलीमिली गांव? जी हाँ, फिर मिलेंगे। आपका शुक्रिया, अलविदा। अच्छा तो ये है। वहाँ क्या लिखा था? वो तलवार हमें रास्ता दिखाएगी, तो तलवार यही होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे सामने है ना? हाँ, हमें मिल चुका है। मिल गया, अच्छा है। लेकिन ये समंदर, हम इसे कैसे पार करेंगे? कोई तरीका है तुम लोगों के पास? एक नाव, हमें नाव ढूंढनी होगी। तुमने नाव चलाना कहाँ से सीखा? मेरे पापा एक मछुआरे थे, मैंने उनसे ही सीखा है। हम दोनों एक साथ मछलियां पकड़ने जाते थे, मुझे ये नहीं पता था कि इसका मुझे कभी फायदा भी होगा। चलो अच्छा हुआ ना ये। हम बहुत अमीर होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा है, सही कहा। चलो चले। रुको बरान, खतरनाक लग रहा है। हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, जरा समझो मेरी बात को। बैरन सही है। अब हम क्या करेंगे? ये तो खाली है,
अरे यार, इतनी दूर आने के बाद भी कुछ नहीं मिला। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो जल्दी चलो चलो। यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बहुत हुआ बरान, ये तुम्हारी गलती है अलेसिया। क्या तुम हम सबको यहाँ पर लेकर आई? एनेस और हैकन तुम्हारी वजह से मर गए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो जिरहन? बकवास तो तुम कर रही हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुमने बिल्कुल सही कहा बेबी। बेबी? हाँ अलेसिया, तुम्हारी जैसी लड़की इसके लायक नहीं है। कब से चल रहा है ये सब? एक साल से। एक साल? क्यों बरान? क्यों बताओ? दादाजी के मरने का इंतजार कर रहा था। उनके पास बहुत पैसा है ना? मैंने कहा था कि मेरे दादाजी अमीर होने के बाद हमें छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें लगता है वो मेरे लिए पैसे छोड़कर गए होंगे? उसी की वजह से हम यहाँ पर आए हैं। बैरन, अब इससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। मुझे माफ करो अलेसिया, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बरान, बरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बरान, बरान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अलेसिया, मेरी प्यारी पोती, अब जब तुमने ये लेटर पढ़ लिया है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा था। आध्यात्मिक वैल्यू भौतिक वैल्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब तुम तुम्हारे दोस्तों को जानती हो। मुझे लगता है कि तुम अब मैच्योर हो गई हो। ये मत भूलो कि लोग स्वार्थी और कृतज्ञ होते हैं। तुम्हें अब लोगों को जानना होगा। तुमने अपने दोस्तों को अच्छे से पहचान लिया होगा। एक बात और है जो मुझे तुमसे कहनी है।
तुम्हारे आसपास के लोग स्वार्थी हैं, बुरे हैं, लेकिन तुम बुरी नहीं हो। मुझे पता है कि तुमने वो संदूक नहीं फेंका होगा। तुम्हें वो गुफा में मिला क्योंकि वो बेकार था, क्योंकि तुम लकी हो, क्योंकि तुम प्रेडिक्टेबल हो। तुम अब बहुत अमीर हो गई हो। कभी कभी अनदेखी चीजें देखी हुई चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसे कभी भी मत भूलना। और आखिरी बात, मेरी प्यारी पोती, अपने पापा को बुरा मत समझो। वो रीजन नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। उसे ये खजाना सबसे पहले मिला। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मालिक मुझसे बदला लेना चाहते थे। उस बदले का मतलब है तुम। एक होजा ने तुम्हारी पिता की मदद की थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। तुम इन चीजों का ख्याल रखना। रुको रुको, ताबीज उतारो, इसे पहन लो। क्या हुआ होजा? ये अच्छा नहीं है। मैंने जो सोचा था उससे भी बदतर है। मेरे साथ आओ। क्या बात है होजा? सुनो मेरी बात, तुम्हारे पिता ने एक भयानक काम किया है। वो उनसे सिर्फ बदला लेना चाहते हैं, समझे तुम? उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने अपनी जवान बेटी को मारा जब वो खजाने को ढूंढ रहे थे। वो बदला लेना चाहते हैं, समझे? मेरा यकीन करो, यही सच्चाई है। वो इसे मारना चाहते हैं? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मेरी बात सुनो, वो उसे मारना चाहते हैं। उन्होंने उसके ऊपर जादू टोना किया है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अपनी बेटी को तुम्हारे पापा से दूर ले जाओ। अगर हो सके तो हमेशा के लिए दूर रखो उसे। वो जितनी ज्यादा दूर रहेगी, जादू का असर उतना ही कम होते जाएगा। क्या आपको यकीन है होजा? मुझे यकीन है। मेरी बात को सुनो, मैंने आपकी बेटी अलेसा के लिए एक ताबीज बनाया है। मैंने उन राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए उसमें कुछ डाल दिया है। मेरी बात को सुनो, वो बहुत ही खतरनाक राक्षस है, बहुत ही खतरनाक। किस तरह का राक्षस? उसका नाम क्या है? क्या वो बहुत खतरनाक है? उसका नाम है सैमूर। सैमूर नाम है उसका, सैमूर।